आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरे जो दुश्मनी है वो बीजेपी से। देखिए हनुमान जी के बारे में तो ज्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको जनप्रतिनिधियों को जीता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं, लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या रहा भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, वो उसके ऊपर काम करेगी। सर प्रदेश में उपचुनाव है, क्यों सर पर अभी तक जो है बीजेपी ने अभी खाता भी नहीं खोला है, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है धरातल पर? प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और नतीजे जैसा कि आप मीडिया बंधुओं से हमको सबको सुनाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जनता का मूड काम को लेकर के सरकार के पक्ष में। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरे जो दुश्मनी है वो बीजेपी से। देखिए हनुमान जी के बारे में तो ज्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको जनप्रतिनिधियों को जीता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं, लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या रेवंत राम डागा क्यों सर ने बीजेपी का जनता के काम करने चाहिए, हनुमान जी को मैं ये सुझाव देना चाहता हूं। रेवंत राम डागा जो बीजेपी का वनवास खत्म करेंगे क्यों सर से? देखिए ये रेवंत राम डांगा और हम बीजेपी का वनवास खत्म नहीं करेंगे, ये वहाँ की खेमसर की जनता वनवास खत्म करेंगे।